हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निर्मा का जायका। आज हम केले से बनी पूड़ी की रेसिपी लेकर आए हैं, तो देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए हमने 8 केलों को टुकड़ों में काट के और हल्दी नमक के साथ कुकर में 2 सीटी आने तक पका लिया है। ये कच्चे केले हैं। अब हम अपने उबले हुए केलों को छील लेते हैं। आप चाहें तो कच्चा केला भी छील के और तब उबाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे पहले उबाल लिए हैं तब छीलेंगे। ऐसे छिलका उतारने में आसानी हो जाता है। हल्दी और नमक के साथ उबाल देने पे केले काले नहीं पड़ते हैं, और छील के उबालने पे केले काले पड़ जाएंगे, इसलिए हम छिलका नहीं उतारे हैं, छिलका के साथ उबालें। सारे केलों को हमने छील लिया है, अब इनको हम मैश कर लेते हैं। इनको अच्छी तरह मैश करना है, नहीं तो हमारी पूड़ी फट सकती है। आप चाहें तो इनको मिक्सी में भी मैश कर सकते हैं। आपको जैसे आसानी हो वैसे करें। आप चाहें तो इसको ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं। केला को हमने अच्छे से मैश कर लिया है, इनमें अब हम आटा मिला लेते हैं। यहाँ हम 1 कटोरी आटा मिला रहे हैं। आप चाहें तो 1.5 कटोरी आटा मिला सकते हैं। 1.5 कटोरी आटा मिलाने पे भी पूरी हमारी अच्छी बनेगी। यहाँ पे हम आधा छोटे चम्मच अजवाइन की डाल देते हैं। अजवाइन को हम हाथों के बीच मसल के डालेंगे तो अजवाइन की अच्छी खुशबू आएगी। उसके बाद हम बारीक कुटा हुआ आधा चम्मच अदरक डाल देंगे। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं और कलर के लिए थोड़ा सा हल्दी डाल देते हैं। इसमें हम 1 चम्मच धनिया का पाउडर डाल देंगे, आधा छोटे चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे और 1 चुटकी हम हींग डाल देंगे। अब इसमें हम 2 चम्मच घी डाल देते हैं। आप चाहे तो इसके बदले में तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सब कुछ हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको जैसे नॉर्मल पूड़ी का आटा लगाते हैं वही बिल्कुल वैसे ही आटा लगा लेंगे, लेकिन इसमें पानी कम जाएगा क्योंकि इसमें हमने केला मिलाया हुआ है। आटा हमें गीला ना हो इसका हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, इसलिए हम यहाँ पे चम्मच का इस्तेमाल कर रहे हैं। चम्मच से बस 3 चम्मच पानी इसमें डाले हैं और इतने पानी में ही आटा हमारा लग जाएगा। मुलायम आटा लगा लिया है, अब इसको ढक के 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 15 मिनट हो गए हैं। अब आटा ले लेते हैं हम अपना और इनकी छोटी छोटी नींबू के साइज की लोइया बना लेते हैं। पूरी की साइज आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। हम सूखे आटा की मदद से यहाँ पे छोटे छोटे नींबू के साइज का बॉल बना रहे हैं। आप चाहे तो इसके बदले में तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और तेल की सहायता से भी छोटे छोटे लोइया बना सकते हैं। आटा हमारा मुलायम है, इसलिए हम यहाँ पे तेल या सूखा आटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे आटा टाइट लगा देते तो पूड़ी की किनारी फट जाती है, जो अच्छी नहीं दिखती है, इसलिए मुलायम आटा हम यहाँ पे लगाए हैं। सूखे आटे की सहायता से अब हम पूड़ी को अपनी बेल लेते हैं। जैसे हम नॉर्मल पूड़ी बेलते हैं बस वैसे ही बेलना है, लेकिन इसको थोड़ा सा मोटा रखना है, इसको हम पूड़ी जितना पतला नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं थोड़ा सा हमने यहाँ पे मोटा ही रखा है पूड़ी को। इसी तरीके से हम सारी पूड़ियों को बेल लेंगे। सारी पूड़ियों को हमने बेल लिया है। अब एक कढ़ाई में तेल गरम किए हैं, उसको चेक कर लेते हैं तेल हमारा कैसा गरम है। एक छोटा सा टुकड़ा हम इसमें डाल देते हैं। डालने के बाद ये ऊपर आ गया, इसका मतलब तेल हमारा अच्छा गरम हो गया है। अब हम इसमें अपनी पूड़ियाँ डाल के फ्राई करेंगे। अब हम अपना पूड़ी इसमें डाल दिए हैं। जब ये पूड़ी हमारे ऊपर आनी शुरू होगी तो इसको दबा दबा के और अच्छे से फुला लेंगे और फिर उसके बाद इसको पलट देंगे। अब इसको पलट देते हैं। पहली बार पलटने के बाद अगर आपकी पूड़ी थोड़ी सी कम फूली है उसको एक बार और पलट दें और उसको एक बार और पलट दें, मतलब 2 बार में पूड़ी हम पलट के फेंकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 4 बार पलटेंगे और फिर अच्छी पूड़ी फूल जाती है। आप देख सकते हैं हमारी पूड़ी पहले कम फूली थी, लेकिन अब ये फूल के तैयार हो गई है। इसको निकाल लेते हैं और दूसरा पूड़ी तब तक हम इसमें डाल चुके हैं, अब वो भी ऊपर आ रहा है, उसको भी पलट देंगे। इसी तरीके से सारी पूड़ियों को पलट पलट के और इनको हम तल लेते हैं। जब भी आप पूड़ी फ्राई करें तो ये ध्यान रखें कि गैस का फ्लेम हाई हो। अगर हमारा फ्लेम हाई नहीं होगा तो पूड़ियाँ हमारी अच्छी नहीं फूलती हैं।
यहाँ मैंने गैस का फ्लेम हाई रखा है और हमारी तीन तीन पूड़ियाँ एक बार में पक के तैयार हो रही हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फूल रही हैं। अगर हम यहाँ पे ज़्यादा तेल डाले होते तो 4 या 5 पूड़ी भी हम एक साथ में निकाल सकते थे, लेकिन ज़्यादा तेल हम इसमें नहीं डाले हैं कि तेल जो बच जाता है उसको ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल करने से नुकसानदेह होता है, तो तेल कम डाल के और कम ही पूड़ी निकाल रहे हैं। हमने यहाँ पे अपने सारी पूड़ियों को तल के तैयार कर लिया है। पूड़ी हमारी तैयार है, चलिए अब इनको हम परोसते हैं। यहाँ पे हमने दही ले लिया है और दही में 1 चम्मच चीनी डाल के और इसको फेंट लेते हैं। पूड़ी में नमक और मसाले और सब्जी के जगह पे केला भी है तो बस दही के साथ ही अच्छी लगेंगी ये पूड़ी। दही को थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं, इसके ऊपर हम पुदीने का पत्ता डाल देंगे और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर इस पर छिड़क देते हैं। आप देखिए कितनी सॉफ्ट पूड़ी बन के तैयार हुई है। आप एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।